सुप्रभात बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज कक्षा 4 के हिंदी विषय में हम अध्याय 4 मेहनत का फल कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में जानेंगे कि मेहनत का फल होता क्या है। सबसे पहले बच्चों, मेहनत आपने कहावत सुनी होगी कि जो है परिश्रम का फल मीठा होता है, मेहनत करने वाले हमेशा आगे जाते हैं, ठीक है। मेहनत करना चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर हम कोई भी काम को सच्ची लगन से और मेहनत से करते हैं तो वो हमारा काम हमेशा सफल होता है और हमको आगे अग्रसर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको ताकत मिलती है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ के हम इसकी शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति सपरिवार रहता था। उसका नाम भिखारी लाल था। भिखारी लाल बहुत आलसी और कमजोर कामचोर था। उसके पड़ोसी तथा गांव वाले उसे निरंतर समझाया करते थे कि कुछ काम धाम कर लिया करो, परंतु वह था कि टस से मस ना होता था। लोग समझाते समझाते थक गए और अंत में उन्होंने समझाना ही बंद कर दिया। समय पहले की बात है, एक गांव में एक भिखारी लाल नामक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही कामचोर, बहुत ही आलसी। कामचोर मतलब जो काम करने से अपना जी चुराता था। पूरे गांव वाले, आसपास के लोग, उसके घर के लोग समझाते थे कि भैया काम कर लिया करो, मेहनत कर लिया करो, तो वो क्या कहता था कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। तो लोग समझाते समझाते थक गए और उन सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब इसको समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी बात सुनता ही नहीं है। आगे देखिए, भिखारी लाल आलसी तो था कि महत्वाकांक्षी भी बहुत था। वह दिन भर बैठे बैठे केवल एक ही बात सोचता रहता था कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता। वह अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। भिखारी लाल आलसी के साथ साथ दिवा स्वप्निल था। वो दिन में सपने देखता रहता था, बहुत महत्वाकांक्षी था। वो ये सोचता था कि काश कोई खजाना मिल जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, उससे मैं एक महल बनवाऊंगा, उसमें ढेर सारे नौकर रखूंगा, नौकर हमारा काम करेंगे और हम आराम से विश्राम करेंगे। भिखारी लाल की पत्नी गोमती उसके आलसीपन और अकर्मण्यता से बहुत परेशान रहती थी। वह बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और अपने पति का पेट भरती थी। गोमती यदि भिखारी लाल को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसे मारने पीटने लगता था। भिखारी लाल की पत्नी का नाम गोमती था। गोमती बेचारी बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही मेहनती महिला थी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपने पति भिखारी लाल का पेट भरती थी। जब कभी भिखारी लाल से गोमती कहती थी कि आप कुछ काम कर लिया करिए, तो भिखारी लाल अपनी पत्नी गोमती से मारपीट करता था, उसकी पिटाई करता था। भिखारी लाल के पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में उसकी भूमि बंजर हो गई थी। बंजर का मतलब होता है जिसमें जान ना, ठीक है, अनुपजाऊ। भिखारी लाल के पास जो जमीन थी उसमें खेती नहीं करता था भिखारी लाल। तो खेत के बारे में ये मान्यता है कि अगर हम खेती नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद वो खेत अनुपजाऊ हो जाता है, फिर उसमें जल्दी से कुछ पैदा नहीं होता है, ठीक है। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। गोमती बेहद चिंतित थी, परंतु भिखारी लाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की ही भांति लापरवाह दिवा स्वप्नों में खोया रहता था। गोमती ने जो थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे थे वे भी खत्म होने लगे। एक समय ऐसा आया कि गांव में बहुत भीषण अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, सूखा जब फैल जाता है तो फसलें पैदा नहीं होंगी, है कि नहीं। जब बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होंगी, बिना पानी की सिंचाई, बिना सिंचाई के फसल तो होती नहीं है। तो पहले के समय में क्या रहता था कि इतने नलकूप नहीं रहते थे, इतने ट्यूबवेल नहीं रहते थे, ठीक है, कि आप हैंडल से स्टार्ट किए, इंजन चल पड़ा और पानी लेने लगा, ऐसा पहले नहीं रहता था। पहले लोग रहकर कुएं से पानी निकालते थे, कुएं से सिंचाई करते थे, कुएं के पानी से, नहरों से, तालाबों से, ठीक है, इन सब से सिंचाई करते थे।
और ये सब इन सब में पानी कहाँ से आता था? इन सब में पानी आसमान से जब पानी बरसता था तो तालाबों में, नदियों में, नहरों में, झील में, कुएं में, इन सब में इकट्ठा हो जाता था। लेकिन जब बारिश हुई नहीं तो सब नदी नाले तालाब कुएं पोखर सब सूख गए और सभी लोग पानी के लिए तरसने लगे, खाने के लिए तरसने लगे, और जब खाना पीना नहीं मिलेगा तो लोग मरने लगेंगे। गोमती बेचारी बहुत ही चिंतित थी कि भाई क्या होगा अब, हमारा पति काम भी नहीं करता है, ठीक है, चारों तरफ सब हाहाकार मचा हुआ था, सभी लोग मरते जा रहे थे। गोमती जो कुछ पैसे बचा कर रखी थी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगे। उसी समय गांव में एक संत आ गए। गांव की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वो मीठी वाणी में प्रवचन करते थे, गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन गोमती भी उन संत के पास गई और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुना। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो। हाँ, उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं। अब उस अकाल के समय एक संत जी आए जो गांव में चारों तरफ हाहाकार मचा था, वैसी दशा देख के उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वे क्या करते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, अच्छा सा प्रवचन देते थे और लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी अच्छी बातों को सुनते थे। जब गोमती को पता चला कि हमारे गांव में एक संत आए हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं, तो गोमती भी उन संत के पास गई और अपनी सारी दुखड़ा बता दी, अपनी अंदर की सारी व्यथा बता दी कि हमारा पति बहुत ही आलसी है, वो कोई काम नहीं करता है, ठीक है, हमेशा दिन में स्वप्न देखता रहता है कि काश मुझे कहीं से खजाना मिल जाए। जब ये बात सुने संत जी तो उन्होंने कहा, बेटी परेशान मत हो, अपने पति को ये कहकर भेजना कि जाओ संत महाराज आपको गड़े हुए खजाने के बारे में बताएंगे। अगर वैसे आप कहोगी जाओ संत जी बुलाएं तो नहीं आएगा आपका पति, क्योंकि बहुत ही आलसी है। गोमती ने प्रणाम करके चली गई और घर जाकर अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। या सुनते ही भिखारी लाल दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े हुए धन का पता बताइए। संत बोले, धैर्य रख बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ, जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। भिखारी लाल ने कहा, उस धन को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। संत बोले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज, भिखारी लाल जल्दी से बोला। अब गोमती संत को जी को प्रणाम की और अपने पति से वही चीज़ें बताई कि जाओ संत जी बुलाएं आपको एक गड़े हुए खजाने के बारे में बताएंगे। यह सुनते भिखारी लाल तो सोचा कि अरे, मैं तो पूरी ज़िंदगी यही सोचता था कि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल गया, आज संत जी हमको बताने जा रहे हैं। तो भिखारी लाल खूब जोरी से दौड़ता दौड़ता संत जी के पास पहुंचा और हाँपते हाँपते प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, जल्दी से हमें गड़े हुए खजाने के बारे में बताइए। तो संत जी भी मुस्कुरा कर कहते हैं कि बेटा अभी रुको, दौड़ते हुए आओ हाँपते हुए, पहले विश्राम थोड़ा कर लो, हम बता रहे हैं आपको अभी तुरंत जो है गड़े हुए खजाने के बारे में, लेकिन उस खजाने को आसानी से आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। संत जी ने कहा कि आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो भिखारी लाल तुरंत कह दिया तपाक से कि हाँ, मैं जी तोड़ मेहनत कर लूँगा महात्मा जी, बस आप हमको उस गड़े हुए खजाने के बारे में बताइए। संत कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? भिखारी लाल ने हाँ में से बुला दिया, तो चल मैं तुझे वहीं बताऊँगा, संत ने कहा, और भिखारी लाल को लेकर उसके खेत की ओर चल पड़े। भिखारी लाल खेत पर पहुंचकर संत ने एक समतल स्थान पर बड़ा सा वृत्त खींचकर कहा, देखो बस, इस वृत्त के भीतर ही एक धन गड़ा हुआ है, यहाँ से खुदाई आरंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तूने परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। संत जी कुछ सोचे और पूछे कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत खेत है? भिखारी लाल ने कहा, हाँ सर, हमारे पास, हाँ महाराज जी, हमारे पास खेत है। तो भिखारी लाल को संत ने कहा, चलो अब खेत के पास चलो, हम वहीं बताते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सा गोला खींच लिया, ठीक है, वृत्त मतलब गोला, उन्होंने बड़ा सा एक गोला
उस समतल जमीन को देख के उस खेत में खींचा और कहा कि इसकी सच्चे लगन से इसकी खुदाई करो और इसी के अंदर से अगर खूब मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो तुमको गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करूंगा, मेहनत से तनिक भी चीज नहीं चुराऊंगा महाराज, भिखारी लाल ने कहा। भिखारी लाल ने घर से फावड़ा लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके मस्तिष्क में तो गड़ा हुआ धन पाने का भूत सवार था। वह रात भी मेहनत करके जमीन की खुदाई करता रहा। निरंतर खुदाई होने से वहाँ गड्ढा होने लगा। अब वह गड्ढा कुएं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन जब भिखारी लाल ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फवारा फूट पड़ा। भिखारी लाल घबराया, वह संत के पास जा पहुँचा। महाराज महाराज, वहाँ धन तो नहीं मिला परंतु वह गड्ढा पानी से भर गया, अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? भिखारी लाल बोला, धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुँच गया है। अब तू खेत की जुताई कर बीज को दे और उसी कुएं के पानी से सिंचाई कर। पौधों से सोने की बालियां निकलेंगी और इससे हितु माला माल हो जाएगा, संत ने भिखारी लाल से कहा। अब दिन रात मेहनत करते जब भिखारी लाल दिन रात मेहनत किया तो उस जमीन की खुदाई करते हुए बहुत नीचे तक चला गया। अब वो वहाँ से नीचे से पानी निकलने लगा। जब पानी निकलने लगा तो वो कुएं का रूप धारण कर लिया, ठीक है, पूरे गड्ढे में पानी ही पानी भर गया। तो वो संत के पास गए कि महाराज जो है कुएं में धन तो नीचे ही रह गया लेकिन ऊपर पानी आ गया है, अब कैसे धन मिलेगा? तो संत जी ने कहा कि अब तुम खेती करो उसी खेत में, उस खेत की जुताई करके उसमें कोई फसल की बुआई कर दो और इसी कुएं के पानी से उसकी सिंचाई कर दो, तो जो फसल पैदा होगी उसकी बालियों में सोने की बालियां होंगी और तुम मालामाल हो जाओगे। भिखारी लाल को यह युक्ति बता संत गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। भिखारी लाल के सिर पर से धन पाने का भूत अभी उतरा नहीं था। उसने खेत की जुताई कर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। भिखारी लाल को जब यह युक्ति बताई संत जी ने यह बात बताई कि अब उसी से तुम्हें बुआई कर दो और सिंचाई करो, माला माल हो जाओगे। तो माला माल होने के चक्कर में भिखारी लाल ने क्या किया, खेत की जुताई करके फसल की बुआई कर दी और उसी खेत से सिंचाई करने उसी कुएं से सिंचाई करने लगा। अब वह दिन आया जब खेत में फसल लहलाने लगी। लहलाती फसलों को देखकर भिखारी लाल का मन झूम उठा। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया। अब तो वह पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल होते हुए भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका था। अब जब फसल की बुआई हो गई तो फसल उपजा और उस उपजे हुए फसल को देखकर भिखारी लाल दंग रह गया कि अरे इतनी अच्छी फसल, ठीक है। अब उसके मस्तिष्क में धन पाने की लालसा खत्म हो गई, गड़े हुए धन पाने की, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी फसल थी। 16 आने का मतलब होता है कि नंबर एक की फसल उसकी हो गई थी, ठीक है। अब नंबर एक उस अकाल के समय में नंबर वन की फसल का मतलब मालामाल होना ही है। तो भिखारी लाल को यह समझ आ गया कि हमेशा परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है। अगर कोई जी नहीं चुराया परिश्रम करने से तो हमेशा ही उसके साथ अच्छा ही होता है। एक दिन वही संत पुनः गांव में आए। वे सबसे पहले भिखारी लाल के खेत पर गए और पूछा, तुझे धन मिल गया बेटा? भिखारी लाल संत के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी, परिश्रम से बड़ा धन कोई नहीं है। मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इसी प्रकार भिखारी लाल गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं अपितु मेहनती किसान के नाम से के रूप में जानने लगे थे। अब कुछ समय बाद संत जी उस भिखारी लाल के खेत में पहुँचे और भिखारी लाल उस खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा था और संत जी पूछे, क्या बेटा तुझे बड़ा हुआ धन मिल गया? तो भिखारी लाल तो अब समझ गया था कि मेहनत का फल तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। अब उसने महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मुझे फ्री का धन नहीं चाहिए,
मुझे गड़ा हुआ धन नहीं चाहिए, मुझे अब मेहनत का ही धन चाहिए। मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। अब गांव में भिखारी लाल को सभी पहले आलसी के नाम जानते थे, लेकिन अब जो है बहुत ही मेहनती किसान के नाम से जानने लगे। ठीक है, पूरे गांव में सबसे अच्छा किसान, सबसे मेहनती किसान, सबसे अमीर किसान बन गया हमारा भिखारी लाल। तो इस कहानी से बच्चों ये सब शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अर्थात परिश्रम अगर आप करेंगे तो आप का कदम चूमेगी कौन? सफलता। अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, हमेशा परिश्रम करेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। इसलिए आप सभी लोग इस कहानी की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प लीजिए कि हमेशा कठिन परिश्रम करेंगे, परिश्रम से जी नहीं चुराएंगे, तो आप लोग अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता हुआ है। धन्यवाद।